अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, तो देर किस बात की, चले आइए, सपनों के साथ आइए, सफलता के साथ जाइए। अवतार कोचिंग सेंटर, विशाल सर, प्रफुल सर और विकास सर निरंतर एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में रिजल्ट देने के लिए पिछले 8 सालों से जाने जाते हैं। आगे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि सारे बच्चे को जिस उम्मीद से आते हैं उस उम्मीद के साथ उसको हम भेजें और ढेर सारे गार्जियन के घरों में खुशियाँ लाएं। बिहार में अभी सर्वाधिक रिजल्ट देने का हम लोग का रिकॉर्ड रहा, लास्ट ईयर भी हम लोग बिहार में सबसे ज़्यादा रिजल्ट दे रहे हैं और देते भी आएंगे। जी हाँ, हमारा पता है अवतार कोचिंग सेंटर, करबिगैया बस स्टैंड रोड नियर पटना जंक्शन, पटना। ज्यादा जानकारी के लिए हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7319695151 और दूसरा नंबर है 7295846300। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। देखिए, ये अभी जो मॉब लिंचिंग की जो घटना हो रही है झारखंड में, या जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दिया जा रहा है, वो हवा सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि झारखंड में बीते 2 से 4 महीने के भीतर चुनाव है और उस चुनाव को देखते हुए भी विपक्षी पार्टियां तबरेज़ की जो अचानक से जो मृत्यु है उसको मॉब लिंचिंग का रूप दिया जा रहा है। जबकि वहाँ के थाने के जो रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा गया कि उसको पहले हॉस्पिटल में ले जाया गया है, वहाँ उसकी इलाज करवाई गई है, उसके बाद उसको जाके जेल भेजा गया जहाँ की उसकी तबीयत खराब होने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। अब समझने वाली बात यह है कि एक तबरेज़ को हम लोग मॉब लिंचिंग कह के पूरे झारखंड को बदनाम करने में लगे हुए हैं, वहीं साथ में दूसरी तरफ हम ये देखते हैं अभी आज की ही एक जगह घटना, सिर्फ इतनी सी बात कह देने पर कि मेरे घर के सामने गांजा मत पियो, तो 3 मुसलमानों के द्वारा मंगरू की हत्या कर दी जाती है चाकू गोद कर, तो मॉब लिंचिंग इसे कहा जाता है। एक बेटी को बचाने, इस्मत बचाने के लिए दिल्ली में एक बाप को पूरा समुदाय मिल के हत्या कर देता है, मॉब लिंचिंग इसको कहा जाता है। एक डॉक्टर की हत्या सिर्फ इस बात के लिए कर दी जाती है कि उसके घर में क्रिकेट का बॉल चला गया था और उन्होंने मना किया था दिल्ली में रहने वाले एक विशेष वर्ग के समुदाय को, उनको विकेटों से बैटों से मार कर हत्या कर दी जाती है, मॉब लिंचिंग इसे कहा जाता है। तो ये मानसिकता लोगों की एक धर्म के प्रति जो है कि मॉब लिंचिंग है, ऐसा नहीं होना चाहिए और इस तरह की घटना निंदनीय रहेगी, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है कि किसी चोर को, किसी डकैत को एक जनता के द्वारा गुस्से में मार देना जाना, उसको दूसरे प्रारूप में नहीं लेना चाहिए कि हिंदुओं के द्वारा जुल्म किया जा रहा है या हिंदुओं के द्वारा ज़्यादा मॉब लिंचिंग की घटनाएँ घट रही है। अगर आप हिस्ट्री उठा कर देख लें तो विगत 1 महीने के भीतर आपकी बहुत सारी ऐसी घटनाएँ मिल जाएंगी जहाँ एक विशेष वर्ग जो और के समुदाय के द्वारा हिंदुओं पर बहुत अत्याचार किया गया है। इसको रोकने के लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए, इसको रोकने के लिए सबसे बेहतर और सबसे सुगम तरीका सरकार के लिए यही है कि जहां भी इस तरह की घटनाएं होती हैं सरकार और प्रशासन को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ेगी और इन सब चीज़ों को बारीकी से समझने की ज़रूरत है कि आखिर में जो इसको दूसरे रूप से देख लिया जाता है, मॉब लिंचिंग का तरीका से देख लिया जाता है, उसे देखने की ज़रूरत नहीं है और जल्दबाजी में सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा कोई बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।